नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, यूपी जम्मू कश्मीर की सियासत में गुलाम नबी आजाद के दौरे ने एक नई रंगत ला दी है। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी डिवाइडेड हाउस है, ये खुलकर सामने आ गया है। कोई उनके समर्थन में प्रदर्शन कर रहा है तो कोई उनके विरोध में प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन अल्टीमेटली जो कांग्रेस हाईकमान है या प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व है, उसमें ओहपो और असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर क्या किया जाए, कौन सी स्टेटमेंट दी जाए। लेकिन आपको बताते चले कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन बन गई है। गुलाम नबी आजाद आते हैं, चले जाते हैं और उसके बाद उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जाता है और इतने बड़े कद्दावर नेता का पुतला फूंका जाता है और तुरंत बाद उनके समर्थन में भी प्रदर्शन होता है, यानी कांग्रेस डिवाइडेड हो जाए। आज एक मरतबा फिर जिला कठुआ में सुभाष गुप्ता, जो फार्मर MLC हैं, बड़े नज़दीकी माने जाते हैं गुलाम नबी आज़ाद के, उनके समर्थनों ने गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर चैनलों पे, जिसमें शाहनवाज ने जम्मू में आजाद साहब के खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया था उसकी निंदा करने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं। जब से जो देखा है, जो उन्होंने प्रोग्राम किया, तमाशा किया है, उसकी सब लोग निंदा करते हैं। पूरे रियासत के लोग निंदा करते हैं, हम लोग भी उनकी निंदा करते हैं और हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जो आजाद साहब के साथ खड़े हैं। आजाद साहब ने पूरी जिंदगी रियासत के लोगों की सेवा की है, कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है, कांग्रेस को मजबूत किया है। आज भी उनकी यही सोच है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस मजबूत हो, यहाँ दोबारा कांग्रेस की सरकार बने। पूरे देश में उन्होंने हर जगह, पूरे देश में, चाहे वो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रहे, चाहे कहीं मिनिस्टर रहे, उन्होंने देश की सेवा की। जो शाहनवाज जी हैं, जो ये कल ये बयान दे रहे थे उल्टे सीधे, शाहनवाज जी जो हैं, उन्होंने हमारे कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट चौधरी मोहम्मद अकरम, जो एक्स MLA थे वहाँ से, उनके खिलाफ DDC का इलेक्शन लड़ा और कांग्रेस को वहाँ पर हराया। आज वो किस मुँह से ये बयान दे रहे हैं कांग्रेसी होते हुए? वो कांग्रेसी कैसे रहे? जो आदमी कांग्रेस के कैंडिडेट को हराएगा, वो कांग्रेसी उसको कहलाने का कोई हक नहीं। ठीक है, हम सारे हैं, कोई उसमें बागी होने की बात नहीं है। अगर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि आजाद साहब एक नेक इंसान थे और हर आदमी उनकी इज्जत करता है। पिछले दिनों जब वो जम्मू में आए तो हज़ारों की तादाद में लोगों ने उनका स्वागत किया और वहाँ पर लोगों ने एक ही डिमांड की कि आजाद साहब जम्मू कश्मीर को संभालो। तो ये जो उनकी जो उनके देखते हुए लोगों से बर्दाश्त नहीं हो सका, जिस ढंग से लोग उनसे प्यार करते हैं, उन्होंने हर तबके के लोग, चाहे वो हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, हर आदमी ने उनका वहाँ जम्मू में 26 तारीख को स्वागत किया और बहुत से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए। हर तबके ने उनका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके उनका वेलकम किया और उनसे जम्मू कश्मीर के लोगों ने यही मांग की कि आप कांग्रेस की यहाँ पर कमान को संभालो, क्योंकि आप जब चीफ मिनिस्टर थे, जब हेल्थ मिनिस्टर थे, आपने बेहतरीन काम किया, लोगों की खिदमत की, कांग्रेस को मजबूत किया। आज लोगों का जो नगाह है आप पे है, लोग चाहते हैं कि आप दोबारा यहाँ पर अपनी कमान। वैसे तो आजाद साहब की इज्जत जो है पूरे देश में है, आपने देखा होगा। गुलाम मोहम्मद खटाना, हीरा नगर भट्टल जाके ना जनाब, जो कल उसने शाहनवाज हुसैन गलत किया, जो आजाद साहब इतने बड़े लीडर हैं जम्मू कश्मीर के, नहीं पूरे हिंदुस्तान के, और उसके खिलाफ उसने जो किया है बहुत ही गलत किया है और बहुत ही निंदनीय है जनाब। एक आदमी उसने खुद आप कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ी है, चौधरी अकरम जो DDC का उसने हराया है खुद, और वो कब का कांग्रेसी है सारे, पहले यही देखो वो कहाँ का कांग्रेसी है, और इतने बड़े लीडर के खिलाफ उसने इतना गलत बोला है। आजाद साहब हमारे लीडर नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लीडर हैं, जिसको वर्ल्ड ने पिछली बारी वो जो हैंडीकैप का मेडल दिया था, आजाद साहब वो शख्स है, और जिसने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, हम इसकी मुखालफ करते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जनाब।
और आजाद को लाएंगे, जम्मू कश्मीर को बचाएंगे, क्या पूरे हिंदुस्तान को। दर्शकों आपको पूरी भूमिका बताते हैं, राज्यसभा में जब फेयरवेल चल रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भावुक हुए थे गुजरात के पर्यटकों पर जिस तरीके से आतंकवादियों ने हमला किया था, और जितनी चिंता तब तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने जाहिर की थी उसको लेकर के प्रधानमंत्री भावुक हो उठे, और उसके बाद बारी आई गुलाम नबी आज़ाद, गुलाम नबी आज़ाद भी भावनाओं में बह गए और उसके बाद ताना बाना बुनना शुरू हो गया। कांग्रेस को लगने लगा कि आखिर ये आंसू जो दो तरफा टपके हैं इसके पीछे सदाकत क्या है। गुलाम नबी आज़ाद अचानक दौरा बनाते हैं और इस दौरे को लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, प्रदेश कांग्रेस की बात कर रहा हूं। उस दौरे से ठीक एक दिन पहले जीए मीर कहते हैं कि हमें गुलाम नबी आज़ाद के दौरे की पूरी जानकारी नहीं है और ये जो दौरा कर रहे हैं ये सोशल या सामाजिक या फिर दूसरे कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए कर रहे हैं, इस तरीके से जीए मीर कहते हैं। ये हम आपको बताते हैं कि जीए मीर ने उस दौरान क्या कहा। फिलहाल सोशल मीडिया पर ही देखा है कि उनका दो तीन दिन का टूर यहाँ की ओर लगा हुआ है, बट उसकी मज़ीद जानकारी अभी हमको नहीं मिली है एज ए पार्टी यूनिट। मेरे ख्याल से हो सकता है शाम वाम तक वो अपना प्रोग्राम रिलीज़ करेंगे तो उसके बाद ही जानकारी मिलेगी कि किस नेचर का प्रोग्राम है, प्योर एनजीओ प्लेटफार्म पर है या पॉलिटिकल विजिट है, पार्टी का विजिट है, वो शाम तक शायद पता चल जाए। दर्शकों फिर गुलाम नबी आज़ाद आते हैं, उनका स्वागत होता है। स्वागत की रचना मैंने आपको बता दी कि पीसीसी के चीफ वहाँ पर नहीं थे, पीसीसी के बड़ा पदाधिकारी नहीं थे, चीफ स्पोक्स पर्सन जरूर वहाँ पर पहुँचे थे और वो सीधे अपने आवास पर जाते हैं। आवास में जाने के बाद वो पार्टी मुख्यालय में जाते हैं। जब पार्टी मुख्यालय में जाते हैं तो तब जीए मीर कहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद एक कद्दावर नेता है, ये भी आपको बताते हैं। आज़ाद साहब का तीन दिन का दौरा पिछले कई दिनों से चर्चे में था, आपने भी देखा होगा, और उसमें आज सबसे खुशी की बात हम सब कांग्रेस वासियों के लिए है कि उन्होंने पार्लियामेंट से रिटायरमेंट लेने के बाद में जो उनका दूसरा फेज ऑफ लाइफ है उसको उन्होंने आज जम्मू कश्मीर कांग्रेस के दफ्तर में स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ में अपनी दिल की बातें शेयर करके एक नए दौर की शुरुआत की, और उसमें कुल मिलाकर उनका मुद्दा मकसद था कि हम सब लोगों को बूथ से लेकर ब्लॉक से लेकर डिस्ट्रिक्ट से स्टेट से ऑल इंडिया तक हमें पूरे देश में कांग्रेसियों को थोड़ा मुस्तैदी के साथ में मुकाबला करना होगा और आने वाले वक्तों में कांग्रेस को मजबूत करके खासकर जम्मू कश्मीर में खुशहाली लाने की बात है। दर्शकों गांधी ग्लोबल फैमिली का फंक्शन था और इस फंक्शन में G23 के कई बड़े नेता पहुंचे थे जिसमें कपिल सिब्बल था, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, राज बब्बर और ना जाने भूपिंदर सिंह हुड्डा, कई बड़े नेता मौजूद थे। और इस फंक्शन में जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने यह कह दिया कि कांग्रेस नेतृत्व यानी सीधा सीधा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कह दिया कि इतने अनुभवी नेता के अनुभव का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। गुलाम नबी आज़ाद का हवाला देते उन्होंने कहा कि इतने अनुभवी नेता के अनुभव का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। फिर मोड ट्विस्ट हो गया, फिर नई सियासत शुरू होगी। आइए देखते हैं। हम क्यों यहां इकट्ठा हुए? सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस पार्टी हमें कमजोर होती दिख रही और इसलिए हम यहां इकट्ठा हुए हैं और पहले भी इकट्ठा हुए थे कि हम इकट्ठा होकर इसको हमें मजबूत करना है। सच्चाई के रास्ते पे चलते थे, ये सरकार झूठ के रास्ते पे चल रही है। गांधी जी अहिंसा को गले लगाते थे, ये हिंसा को गले लगा रही है। तो बात तो ये गांधी जी की करते हैं लेकिन ना सच्चाई का रास्ता अपनाते हैं और ना अहिंसा का रास्ता अपनाते हैं। अब
मैं साधारण रूप से आपसे कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूं जो देश की जनता समझ पाए कि गुलाम नजी आजाद साहब का असल रोल क्या है। आप कई बार हवाई जहाज में चढ़ते होंगे और हवाई जहाज में चढ़ने में जो वहां बैठा होता है हवाई चलाने वाला वो अनुभवी भी होता है ना। बहुत जरूरी है कि उसको अनुभवी होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसके साथ एक इंजीनियर भी होता है कि कहीं इंजन में गड़बड़ी हो जाए तो वो ठीक कर देगा। तो गुलाम नबी जी अनुभवी भी हैं और इंजीनियर भी। तो दर्शकों जैसे मैंने जिक्र किया गुलाम नबी आजाद के जाती शाहनवाज बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, लेकिन उनको इस बार डीडीसी की टिकट नहीं मिली और उनका वीडियो भी वायरल हुआ था और उन्हें इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़े, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के चुनाव जीते भी, वो अपने समर्थकों के साथ आते हैं प्रदर्शन करते हैं। और बड़ी बात यह है कि इतने बड़े पार्टी के अपनी पार्टी के नेता उनकी पार्टी के नेता कद्दावर नेता उनका पुतला भी जलाते हैं। लेकिन आपको ये भी साथ साथ बताते चले कि शाहनवाज को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस भेजा है क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ अकरम खान के खिलाफ चुनाव लड़ा है। कांग्रेस पार्टी दर्शकों आज अकरम खान और जहांगीर मीर ने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साबित करने का प्रयास किया कि शाहनवाज जो है वो पार्टी का कैंडिडेट नहीं है, वो पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं रखता है, उसको पार्टी ने पहले ही कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आइए देखते दोनों नेताओं का क्या कहना है और किस तरीके से वो सफाई पेश कर रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट गुलाम नबी आजाद के खिलाफ हुआ है दरअसल वो प्रोटेस्ट कांग्रेस ने नहीं किया है, कुछ चुनिंदा लोगों ने किया है। कांग्रेस में अगर गुटबाजी है तो गुलाम नबी आजाद साहब तो कांग्रेसी है ना, उनके खिलाफ पुतला उनका जलाने वाले उनके खिलाफ नारा लगाने वाले कांग्रेसी नहीं हो सकते। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ ये पहले लोग हैं, आपको पता लग जाएगा, इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हमारा कांग्रेस का एक डिसिप्लिन है, जैसे पहले भी आप लोगों को पता है कुछ मेरे सीनियर नेता को कांग्रेस से एक्सपेल किया गया, इनके खिलाफ ही एक्शन लिया जाएगा। डिसिप्लिनरी कमेटी जो है वो बैठेगी और जल्दी आप देख लेंगे कि इसका फैसला हो जाएगा। बिल्कुल जनाब, पार्टी एक्शन लेगी। ना इलेक्शन उसने लड़ा मेरे खिलाफ, लड़ा पार्टी मंडेट के खिलाफ लड़ा और दूसरी पार्टियों की मदद से कामयाब हो गया, चलो छोड़ी इस बात को, लेकिन वो कैसे कांग्रेसी बन सकता है, सवाल तो यही है। जितने लोग इसके साथ हैं ये कांग्रेसी नहीं हो सकते। गुलाम नबी आज़ाद का पुतला जलाना, वो एक शख्सियत का उसके पुतला जलाने से क्या बन जाएगा। प्रधानमंत्री साहब ने अगर आज़ाद साहब की तारीफ की है पूरी दुनिया ने देखी है, उसके करेक्टर की तारीफ की है, उसने कांग्रेस पार्टी की नहीं की। फिर उसके बाद जितनी अपोजिशन पार्टियां वहां थी उन सब ने आज़ाद साहब को अच्छा कहा है, उनकी तारीफ की है। तो आज़ाद साहब ने यहाँ मोदी साहब के लिए कोई इतना बड़ा लफ्ज़ नहीं कह दिया था कि जिसकी वजह से ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप आज़ाद साहब की तकरीर, आप मेरे ख्याल में वहाँ थे, आप सुन लीजिए उन्होंने क्या बोला। उन्होंने मेरी कम्युनिटी को एक सीख दी है कि आप अपने ही घर को मत भूलिए, जैसे कि अपने प्राइम मिनिस्टर साहब अपने घर को नहीं भूलते। सर हम सब के लीडर आज़ाद साहब के भी, मेरे भी, जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान की प्रेजिडेंट सोनिया गांधी वो हमारी लीडर हैं, राहुल गांधी हमारे लीडर हैं, उसके बाद स्टेट की बात की जाए गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे लीडर हैं। तो इसमें कोई बात ऐसी नहीं, आप देख लेंगे आगे आगे, कांग्रेस के बगैर हिंदुस्तान नहीं चल सकता, कांग्रेस ही आएगी और कांग्रेस ही इसको चलाएगी। पर मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता, गुलाम नबी आज़ाद साहब जो ही एयरपोर्ट से आए सबसे पहले वो कांग्रेस दफ्तर आए, इन्विटेशन पे आए, ऐसी कोई बात नहीं थी। उसके बाद गांधी ग्लोबल फैमिली का वो हर साल फंक्शन करते हैं, उन्होंने बुलाया हुआ था। उसके बाद गुजर चेयर टेबल ट्रस्ट, उन्होंने टाइम, उसके बाद उनके निजी दौरे थे जहाँ किसी की डेथ होगी, वो हमारे मसूद चौधरी साहब जो हमारे उनकी मजाज कुर्सी के लिए गए, तो कांग्रेस दफ्तर भी हो गए। उन्होंने जो कांग्रेस दफ्तर में कहा तो फिर आप कैसे कह सकते हैं
या मैं कौन होता हूँ कहने वाला, कांग्रेस गुलाम नबी आजाद के साथ है और कांग्रेस ही गुलाम। पुतला बोल साहब, आपने अभी भी आपने कहा कि वो पुतला फूंकने वाला कांग्रेस का है ही नहीं, कांग्रेस में था वो कांग्रेस के अगेंस्ट जो ना इलेक्शन लड़ा, तो वो कहाँ कांग्रेस में कहाँ रहा, उसने कांग्रेस क्या खुल गया, ये कोई भी नहीं है। वो जैसे उसने कहा इस तरह ही कांग्रेस, मैं भी कांग्रेस का मैं चेयरमैन हूँ यहाँ मिनार्टी का कांग्रेस की तरफ से, ये तो हमें मजबूरी कहना पड़ा जैसे प्रेस से इससे बातें, कोई इस किस्म की बात ही नहीं हुई है। या कांग्रेस का आप बताए कोई मेला विंग्स ने कोई बात की, यूथ कांग्रेस ने कोई खिलाफ बात की वहाँ कोई, इसने अभी रमन भल्ला साहब का आप सुने, उन्होंने कहा कि इस किस्म के चर्चे हो रहे हैं ये बात नहीं होनी चाहिए। मैसेज तो कोई भी गलत जाता है, लेकिन ये बात करना कि इसका मैसेज गलत जाएगा कि आपने प्राइम मिनिस्टर की क्यों तारीफ कर दी, आपने फलाने जनरल की क्यों तारीफ कर दी, इस ये कोई बात है कहने की नहीं, ये बात नहीं कहने की कि प्राइम मिनिस्टर तो हमारा है विशाल मुल्क का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ने आउट ऑफ वे गुलाम नबी आजाद की पार्लियामेंट में तारीफ की, रोया तो हम क्यों कहेंगे तुम क्यों रोया, बीजेपी ने कभी कहा उसको कि तुम क्यों रोया भाई कांग्रेस के लिए, कहा किसी ने? और बैकफुट, बैकफुट पर जब जो ना बॉलर तेज हो या कुछ हो तो बैकफुट फिर जो ना फॉरवर्ड भी आना पड़ता है, फिर जो है ना स्पिन से भी खेला जाता है, फास्ट बॉलर से भी खेला जाए, वो वक्त बताएगा, वक्त ये बताता है, पार्टी का पता लगता है जब आदमी इलेक्शन में हो। अभी आप VDC का DDC का देख लो, उसमें कांग्रेस का क्या रोल है, इतनी खस्ता हालत जितनी आप बता रहे हैं उससे तो अभी बहुत आगे आगे। दर्शकों, अब हम एक मानवता से भरी एक खबर आपको बताते हैं। मूक बधिराओं का स्कूल है, हम जब भी चर्चा करते हैं COVID-19 की हर सेक्टर की चर्चा करते हैं, कहते हैं कि हर सेक्टर को नुकसान हुआ, लेकिन कभी हमने मूक बधिराओं पर हुए कहर बरसे उन पर कभी चर्चा नहीं की। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। एक स्कूल है शहर के बीचों बीच मूक बधिराओं के लिए, जो लोग सुन नहीं पाते हैं, जो लोग बोल नहीं पाते उन बच्चों के लिए स्कूल बना हुआ है। और हम बार बार एजुकेशन डिपार्टमेंट बार बार दुहाई देता है कि हमने ऑनलाइन शिक्षा दी है, ऑफलाइन अब परीक्षाएं लेंगे, लेकिन क्या इन मूक बधिराओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन का कोई फायदा होगा? नहीं। ऑनलाइन चाहे 2G हो 4G हो, जब तक ये सुन नहीं पाते हैं तब तक इनके लिए उस सब पे सब काले अक्षर भैंस बराबर है। लेकिन आप सोचिए उनके परिवार वालों के साथ क्या गुजर रही होगी। अब परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं और वो किस तरीके से परीक्षा देंगे, सरकार ने इसको लेकर के कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की है। पहले हम जो टीचर हैं उनका क्या कहना है, वो क्या कहते हैं? दूसरी बड़ी बात यह है कि उनके पास हॉस्टल भी नहीं है, अगर हॉस्टल हो तो यहाँ पर रह सकते हैं, वहीं पर पढ़ भी सकते हैं। स्कूल है, चंद कमरे हैं स्कूल के, उन्हीं में उनको संचालन किया जा रहा है। आइए टीचर्स क्या कहते हैं वो हम आपको बताते हैं। कोविड की वजह से इन बच्चों को काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही इतनी फैसिलिटीज़ है नहीं है, क्योंकि ये NGO स्कूल है तो डोनेशन पे ही चलता है। तो बच्चे हमारे फार फ्लंग एरिया से आते हैं, हॉस्टल की फैसिलिटीज़ भी इनको नहीं मिल रही हैं। तो बच्चे जैसे पुंछ रजौरी के पहले हॉस्टल में रहते थे, तो अब हमारा हॉस्टल भी बंद है, वो बच्चे अब उनको ऑनलाइन एजुकेशन ही मिल रही है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में ये प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो इन बच्चों को बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो रहा है पढ़ाई का। तो अब पेपर जो आ रहे हैं तो वो अटेंडेंस तो हमारे पास नहीं है जो पहले होती थी, क्योंकि वो फार फ्लंग एरिया के बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं यहाँ पे। तो
मुझे तो यही लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से यही अपील करूंगी कि हॉस्टल की फैसिलिटीज़ इनको अवेलेबल की जाए ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ये क्लासेस अटेंड करें। उसमें ये सिलेबस थोड़ा हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, उनका एक तो सिलेबस कम हो जाए और पूरा साल लॉकडाउन ही रहा है तो फिर बच्चे क्या पढ़ेंगे, इन्होंने क्या लिखना है पेपर में, तो थोड़ा यहाँ पेपर हम आगे कर लेंगे तो ये क्लास नॉर्मल, अगर यहाँ पे कोविड के केसेस कम रहे, क्लासेस अच्छी तरह चलती रहीं तो अगर पेपर आगे हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत ये बच्चे कर पाएंगे। देखिए पहले जैसी परफॉर्मेंस तो नहीं मिलेगी हमें, जैसे पिछले साल रही है, रेगुलर क्लासेस रही हैं, वैसी परफॉर्मेंस तो हमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बच्चों से क्योंकि पूरा साल लॉकडाउन रहा है, बच्चे तो पूरे साल आए नहीं हैं, तो ये जो एक दो महीना में हमने पढ़ाया है तो उसी के हिसाब से परफॉर्मेंस होगी, हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो लगा नहीं सकते बच्चों से। सर पूरा सिलेबस सर नहीं कर पाएंगे क्योंकि बच्चे बहुत दूर दराज से आते हैं, कोई पुंछ से आता है, कोई रजौरी से आता है, कोई डोडा से आते हैं बच्चे, तो ऑनलाइन क्लासें भी इनको नहीं क्योंकि सुन नहीं पाते हैं जी, तो इस वजह से इनकी ऑनलाइन क्लास भी हम नहीं इनकी अटेंड कर पाए। तो अभी जो जब से स्कूल खुले हैं फरवरी से तो जो क्लासें ले रहे हैं हम, जितना भी हम कोशिश करेंगे, जितना भी उनका सिलेबस हो सकेगा हम कम्प्लीट करेंगे इनका, तो हम भी कोशिश करेंगे जितना भी हो सकेगा बच्चों को इनको गाइड करेंगे। दर्शकों उनके परिजन और टीचर, हालांकि सरकार के पास विकल्प है कि वो चाहे तो मास प्रमोशन कर सकती है, इन बच्चों को एक साल के लिए रियायत दे सकती है, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी कोई अधिसूचना या ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। टीचर भी ये कहते हैं कि इस बार इनको रियायत दी जानी चाहिए, COVID-19 और उस पर 2G सर्विस, ऑनलाइन एजुकेशन दी जाना, ये सारी चीज़ें इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। तो ये हकीकत में ऊपर वाले की तरफ से चलो ये एक सजा मिल चुकी है, जो बच्चे हमारे जो हैंडीकैप हो गए तो हम उनको पढ़ाने के लिए, क्योंकि इनके बच्चों का उधर पुंछ में कोई ऐसा स्कूल वगैरह नहीं है तो उसको पढ़ाने के लिए जम्मू, जब इसको जम्मू लाए पढ़ाने के लिए तो हमारे दूसरे बच्चे वो भी फिर दर बदर हो गया, एक उधर उधर बड़ा मुश्किल परेशानी बनती है, तो इसकी वजह से हम लोगों ने इधर कमरे लिए हुए हैं किराए पर, तो किराया पूरा करना बड़ी मुश्किल है हमारे लिए, तो जैसे घरों में हम लोग हर तरीके से वक्त भेजते हैं, हर चीज़ रख के वक्त पास करते थे, इधर हमारे लिए बहुत मुश्किल है खाली इन बच्चों के लिए। सर जी इनको तो बहुत दिक्कत है, मगर ये पढ़ नहीं सकते हैं, इन्होंने तो बिल्कुल नहीं पढ़ाया, जो मैडमें देती तो वो ही करते हैं, मगर इनको कैसे पता चलेगा, दूसरे बच्चों को फिर भी पता चलता है, मैं इनको बिल्कुल नहीं पता चलता है। हम चाहते हैं कि सरकार ऐसा करे कि थोड़ा काम दे, महीनों में जो पेपर रह गए हैं वो अच्छी तरह करें। हाँ हम दिक्कत तो होती है, हमें सुबह आते हैं फिर चले दोपहर को जाते हैं, फिर दूसरे बच्चे भी हमें छोड़ना पर वो आता है उनको, तो जैसे पहले घर में थे तो अब यहाँ किराए पे रहते हैं हम, तो दूसरे भी घर से लाने पड़ते हैं। ये स्कूल एक कमरे में स्टार्ट किया गया था, उसके बाद गीता भवन में 4 कमरे किराए पर ले गए, उसके बाद गवर्नमेंट पर काफ़ी प्रेशर डाला गया ताकि हमें ये इवैक्यू प्रॉपर्टी बिल्डिंग मिल गई, जो ये स्पेशियस बिल्डिंग है, काफ़ी कमरे हैं, पूरा स्कूल इसमें आता है। हमने 1995 में JDO को अप्रोच किया था, चक्रवर्ती साहब थे उस वक्त वहाँ वाइस चेयरमैन, उन्होंने विजिट किया स्कूल को और हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई हमें हॉस्टल की प्रॉब्लम है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे दूर दराज इलाकों के हैं, ये हैंडीकैप जो है, डेफेंडम जो है, इक्के दुके एक एक महल में हो और एक एक लोकेलिटी में, तो लेकिन दूर दराज के बच्चे हैं तो हमें हॉस्टल की प्रॉब्लम, हमें लैंड चाहिए। प्रबंधन के अधिकारी का कहना है कि कहीं ना कहीं हॉस्टल होता तो ज़्यादा बेहतर होता, हॉस्टल के चलते जो COVID-19 में भी ये बच्चे पढ़ सकते थे और अब भी पढ़ सकते थे, लेकिन हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है, सरकार को चाहिए कि इन बच्चों के लिए हॉस्टल प्रोवाइड करें। जहाँ पर हम इनके लिए ITI भी खोलेंगे या एजुकेशनल भी और हॉस्टल बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो 1995 में उन्होंने 8 कनाल लैंड हमें अलाट की जिसका 2,00,000 रुपया उस वक्त हमने प्रीमियम दे दिया, कॉस्ट दे दिया। 2006 तक तो हमें लैंड मिली नहीं और 2006 में हमें JDA ने कहा नहीं जी कॉस्ट अप हो गया है तो आप हमें इतना पैसा और दे दीजिए, हमने 2,00,000 रुपया और दे दिया उनको। उसके बाद हम काफ़ी एफर्ट्स करते रहे, काफ़ी दौड़ धूप करते रहे और 2014-15 में उन्होंने हमें
उधर गोल गुजराल में लैंड दिखाई, जी ये 8 कनाल तो नहीं है, चलो जितनी है तो आप आपको दे देंगे। हमने कहा चलो ठीक है, 6 कनाल है, 7 कनाल है, हम गुजारा करेंगे। वो उन्होंने लैंड अलॉट की, पेपर वगैरह हो गए, तो हमने कोई 4 लाख के करीब उसमें खर्चा भी किया बाउंड्री वाल की प्लिंथ भरने का। प्लिंथ पूरी भर गई तो उसके बाद हाई कोर्ट से हमें एक वो आ गया पेटिशन किसी ने फाइल किया है हाई कोर्ट में कि ये जी मेरी लैंड है, ये कैसे ये बेच सकती है JDA। तब से वो मुकदमा चल रहा है और प्रॉब्लम्स हमारी बढ़ती जा रही, क्योंकि हमारे मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, रजौरी, पुंछ, उधमपुर, इन इलाकों के ज़्यादा बच्चे हैं, और इनको यह रहने की कोई सुविधा नहीं है कि बच्चा यहाँ रहे तो घर फैमिली को 2 हिस्से करने हैं, लड़का है तो माँ उसके या बाप उसका यहाँ आएगा किराए पर रहेगा, बेटी है तो उसकी माँ को यहाँ आना पड़ेगा किराए पर रहने के लिए, तो परिवार के 2 हिस्से हो जाएंगे। तो इस तरह से ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है कि हॉस्टल की वजह से बच्चे नहीं आ रहे हैं। आपने देखा सुना होगा पहले से ही भी कि डाडका ही गाँव है एक, वहाँ पर डोडा में, वहाँ 75% जो हैं वो डेफेंडम है। उसमें काफ़ी रिसर्च भी हुआ, काफ़ी खोजबीन भी हुई क्या हुआ, लेकिन वहाँ देखा कि पानी में कोई नुक्स नहीं है, हवा में कोई नुक्स नहीं है, वहाँ के अनाज में कोई नुक्स नहीं है, मिट्टी में कोई नुक्स नहीं है, कुछ नेचुरल चीज़ है जिसकी वजह से ऐसा है। अब अगर उन बच्चों को यहाँ बुलाएंगे वो रहेंगे कहाँ? तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए, और मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।